आपको पता है, एक औरत को सबसे बड़ी खुशी कब होती है? जब उसे पता चलता है कि वो माँ बनने वाली है। बट कुछ औरतें ऐसी होती है कि जो इस खुशी का अनुभव नहीं ले पाती। ये किस वजह से होता है? तो वो अपना ओवुलेशन ट्रैक नहीं कर पाती है। इसी वजह से उनको ये नहीं पता होता है कि उनका अंडा कब बन रहा है, वो प्रेग्नेंट कब हो सकती है। पहले के जमाने में आपके पास इतने सारे ऑप्शंस नहीं हुआ करते थे, बट अभी नई टेक्नोलॉजी के साथ साथ आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस है। बट इसमें से बेस्ट ऑप्शन कौन सा है वो मैं आपको बताती हूँ। देखो, तीन तरीके होते हैं आपको पता करने के कि आप ओवुलेशन कब करने वाले हो। पहला ऑप्शन है अल्ट्रासाउंड। अल्ट्रासाउंड में क्या होता है कि आपको बार बार डॉक्टर के पास जाना होता है, बार बार हॉस्पिटल के चक्कर लगाने होते हैं, और इसमें आपका टाइम भी वेस्ट होता है और आपके पैसे भी वेस्ट होते हैं। दूसरा ऑप्शन है स्ट्रिप, जो मार्केट में आती है, जिससे आप घर बैठे अपना प्रेगनेंसी टेस्ट कर सकते हो। उसमें भी एक प्रॉब्लम होता है कि सिर्फ आप इतना पता कर सकते हो कि आप प्रेग्नेंट हो या नहीं। उसमें एक फेडेड लाइन आती है या एक डार्क लाइन आती है, इससे आपको पता चलता है कि आप प्रेग्नेंट हो या नहीं हो, बस इतना ही पता चलता है। तीसरा ऑप्शन ये है कि आप डिजिटली घर बैठे बैठे पता कर पाओ कि आपका लो फर्टाइल कब है, कब आप हाई फर्टाइल है, कब आपका पीक पे फर्टाइल है, कब आप ओवुलेट कर रहे हो। घर बैठे बैठे आपके मोबाइल पे वो मैसेज आपको पता चल जाएगा। मुझे लगता है थर्ड ऑप्शन बेस्ट है। मतलब घर बैठे बैठे अगर आपको पता चल जाए कि आप ओवुलेट कब कर रहे हो, आप प्रेग्नेंट कब हो सकते हो, आपका अंडा कब बन रहा है, ये सब कुछ आपको घर बैठे बैठे पता चल जाए, तो उससे अच्छा ऑप्शन क्या हो सकता है। इसके लिए आपको बाहर जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, डॉक्टर के पास बार बार चक्कर लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, इतने सारे पैसे खर्च करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप घर बैठे बैठे आपका टेस्ट कर सकते हो कब आपका लो फर्टाइल है, कब आपका हाई फर्टाइल है और कब आपका पीक पे फर्टाइल है। ये आपको घर बैठे बैठे डिजिटली आपके मोबाइल में पता चलेगा। सबसे पहले मैं आपको बता दूं ओवुलेशन क्या होता है। जब आपके ओवरी से एग रिलीज होता है, उस प्रोसेस को ओवुलेशन कहते हैं। और आप प्रेग्नेंट तभी हो सकती है जब स्पर्म एग के साथ मिलके फर्टिलाइज हो जाए। जब आपके ओवरी से एग रिलीज होता है, तब वो आपके ओवरी में 12 से 24 घंटे तक जिंदा रहता है। और जब स्पर्म आपके वजाइना में एंटर करता है, तब वो 3 से 4 दिन तक जिंदा रहता है। तो लगभग इन 3-4 दिनों के बीच में आपके प्रेग्नेंट होने के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। तो आपको कैसे पता चलेगा कि आपका अंडा रिलीज हुआ है? वो आपको टेस्ट से पता चलेगा। उसका डेमो भी मैं आपको थोड़ी देर में दिखाती हूँ, और उससे आपको पता चल जाएगा कि कैसे आप घर बैठे अपना टेस्ट कर सकते हो। हर लड़की का महीने में एक बार ही ओवुलेशन होता है, मतलब एक बार ही अंडा निकलता है, और वो अंडा 24 घंटे तक ही रहता है। और हर लड़की का अंडा अलग अलग टाइम पे निकलता है, मतलब उनके पीरियड साइकिल पे डिपेंड करता है टोटली। वो मेरा अंडा अगर आज निकला है तो वो 24 घंटे तक ही रहेगा, और वो हर लड़की का अलग अलग होता है, और वो टोटली डिपेंड करता है आपके पीरियड साइकिल पे। जो आपकी मेंस्ट्रुअल साइकिल की लेंथ होती है उस पर डिपेंड करता है कि कब आप ओवुलेशन कर रहे हो, क्योंकि हर लड़की का अलग अलग होता है। इसी वजह से अब एक्यूरेसी कैसे पता चलेगी, कैसे पता चलेगा कि आप कब ओवुलेशन कर पा रहे हो? तो इसके लिए आप ये यूज कर सकते हो। ये है डिजिटल ओवुलेशन किट। इसका नाम है इनिटो फर्टिलिटी मॉनिटर। तो इसे आप यूज कर सकते हो और इससे आप घर बैठे पता कर सकते हो कि आप कब ओवुलेशन कर पा रहे हो। ये किट बहुत ज्यादा एक्यूरेट होता है आपके ओवुलेशन का डेट बताने के लिए। ओवुलेशन को मेजर करने के लिए दो तरीके के हार्मोन्स को चेक किया जाता है कि कितना लेवल है। एक एस्ट्रोजन होता है और एक LH हार्मोन होता है। आपके ओवुलेशन के 3-4 दिन पहले एस्ट्रोजन हार्मोन का लेवल बढ़ जाता है, और 24 से 34 आवर्स पहले LH हार्मोन का लेवल बढ़ जाता है। तो यही चीजें मेजर करता है इनिटो फर्टिलिटी मॉनिटर, जो एक्यूरेट रिजल्ट देता है LH और एस्ट्रोजन हार्मोन कैसे इंक्रीज हो रहे हैं। जैसे ही LH इंक्रीज होता है, तब ये आपको बता देता है कि हाँ, अब आप पीक पे हो, तब आप ओवुलेट कर रहे हो, तब आप अगर इंटीमेट होते हो तो आप प्रेग्नेंट हो जाओगे। सबसे पहले आप प्ले स्टोर से इनिटो फर्टिलिटी एंड ओवुलेशन ऐप डाउनलोड कर लीजिए अपने मोबाइल पे। जब आप ये ऐप ओपन करते हो तो ये आपके पीरियड से रिलेटेड कुछ सवाल पूछता है, जैसे आपका लास्ट पीरियड कब था, आपके पीरियड के साइकिल कब है, आपकी एज क्या है, आपका हाइट कितना है, आपका वेट क्या है, ये सब कुछ आपको इसमें एंटर करना होता है, ताकि उसी के हिसाब से आपको एक्यूरेट ओवुलेशन का डेट बता पाए। ये आपको रिमाइंडर भी भेजता है, तब आपको पता चलेगा कि हाँ, आपका अभी ओवुलेशन होने वाला है, आपको टेस्ट ले लेना चाहिए। इस बॉक्स के अंदर आपको ये डिवाइस और उसके साथ साथ ये मैनुअल गाइड भी मिल जाता है। इससे आपको पता चलेगा कि इस डिवाइस को कैसे यूज करना है। और उसके साथ साथ आपको ये 10 स्ट्रिप भी मिल जाती है, टेस्ट स्ट्रिप। ये है वो 10 स्ट्रिप जिससे आप अपना 10 बार टेस्ट कर सकते हो। इसके साथ साथ आपको एक मेजरिंग कप भी मिल जाता है। इसमें मेंशन किया होता है कि कितना आपको यूरिन उसमें डालना है और फिर टेस्ट करना है। सबसे पहले आपको क्या करना है, ये जो डिवाइस है इसे मोबाइल से अटैच करना है। उसके बाद ये जो कंटेनर है, आपको इसमें सुबह सुबह का यूरिन है वो लेना है, और उसके बाद जो आपकी स्ट्रिप है उसे आपको 15 सेकेंड के लिए उसमें डिप करके रखना है। उसके बाद आपको कवर चढ़ाना है और उसे आपको लगा देना है आपके डिवाइस पे। टेस्ट स्ट्रिप को आपको बिना कवर के इंसर्ट नहीं करना है, नहीं तो वो खराब हो जाएगा।
जब आप स्ट्रिप को मॉनिटर के अंदर डालोगे तब मॉनिटर लाइट अप हो जाएगा और उससे आपको पता चल जाएगा कि वो स्ट्रिप अच्छे से इंसर्ट हुआ है या नहीं। और थोड़ी ही देर के बाद आपको आपके मोबाइल पे रिजल्ट दिख जाएगा। रिजल्ट में से 3 ऑप्शन आपके सामने आ जाएंगे। अगर आप देखते हो लो फर्टिलिटी का ऑप्शन तो आपको समझ जाना चाहिए अभी आप ओवुलेशन नहीं कर पा रहे हो, आपको इंटरकोर्स करने की जरूरत अभी नहीं है। अगर आप देखते हो हाई फर्टिलिटी का ऑप्शन तो आपको समझ जाना चाहिए कि अभी आप ओवुलेट करने वाले हो तो आप इंटरकोर्स कर सकते हो, इससे आपके प्रेगनेंसी के चांसेस बढ़ जाते हैं। अगर आप देखते हो पीक फर्टिलिटी का ऑप्शन तो आपको समझ जाना चाहिए कि अभी आप कुछ ही घंटों में ओवुलेट करने वाले हो, तो यही राइट टाइम होता है, तब आप इंटरकोर्स कर सकते हो और तब आप प्रेग्नेंट हो जाओगे। अगर आपकी स्ट्रिप चेक करते करते खत्म हो जाती है तो आपके पास डिवाइस तो है ही, आप अलग से स्ट्रिप ऑर्डर कर सकते हो। बस आप अगर माँ बनना चाहते हो तो इस डिवाइस को यूज करना स्टार्ट कर दीजिए और वेट करिए उस दिन का जब आपके रिजल्ट में ये लिखा हुआ आएगा कि आज का ही दिन है वो जब आप प्रेग्नेंट हो सकते हो। इतना एक्यूरेट आपको कोई भी डिवाइस नहीं बता सकता जो ये डिवाइस आपको बताता है, और आपके घर बैठे बैठे आपको रिजल्ट पता चलता है आपके घर के अंदर। अगर आपको ये डिवाइस चाहिए तो इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है आपके लिए, आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स जरूर चेक कर लेना। और अगर आपको नहीं पता है डिस्क्रिप्शन बॉक्स कहाँ होता है तो मेरे टाइटल पे क्लिक करना, डिस्क्रिप्शन बॉक्स ओपन हो जाएगा और वहां पर आपको इसका लिंक मिल जाएगा, तो आप उस लिंक से इस डिवाइस को परचेस कर सकते हो और आपको घर बैठे बैठे आपकी गुड न्यूज मिल जाएगी जिसका आप इतने दिनों से इंतजार कर रहे थे।